झारखंड के सभी अंचल कार्यालय में सीसीटीवी लगाएं, कैमरे अंचल निरीक्षक कार्यालय, रिकॉर्ड रूम निबंधन कार्यालय में लगने चाहिए। सीसीटीवी के जद में कार्यालय के अंदरूनी, बाहरी तथा रिकॉर्ड रूम शामिल हों। सीसीटीवी का नियंत्रण कक्ष जिले के उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किया जाए, जिसकी मॉनिटरिंग उपायुक्त करेंगे। ये कार्य एक माह के अंदर सुनिश्चित होना चाहिए। ये निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीवी के रिकॉर्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहें, इसके लिए आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। उत्तराखंड में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर बाहर से आने वाले पर्यटकों से चार्ज लिया जाता है। उसी की तर्ज पर हरिद्वार में भी जिला प्रशासन द्वारा यात्रियों से चार्ज लेने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार नगर निगम द्वारा स्थानीय निवासियों से कूड़ा निस्तारण चार्ज लिया जाता है, मगर हरिद्वार में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इसकी वजह से हरिद्वार में काफी गंदगी भी होती है, जिसको नगर निगम द्वारा उठाया जाता है, मगर इसका चार्ज श्रद्धालुओं से नहीं लिया जाता। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि हरिद्वार में काफी संख्या में यात्री आते हैं और इस कारण काफी गंदगी भी होती है। अभी हरिद्वार नगर निगम द्वारा स्थानीय लोगों से ही यूजर चार्ज लिया जाता है, मगर हमारे द्वारा विचार किया जा रहा है कि बाहर से आने वाले यात्रियों से वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज लिया जाए और जल्दी इसका निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी का कहना है कि इस चार्ज के माध्यम से किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, मगर कूड़ा निस्तारण के लिए पर्याप्त संसाधन होने भी काफी जरूरी हैं और उस टैक्स के माध्यम से संसाधनों में बढ़ोतरी की जाएगी। मुझे लगता है कि लाखों लोग हरिद्वार आते हैं, निसंदेह व्यक्ति को दशांश दान करना चाहिए। हरिद्वार जो है वो सप्तपुरियों में से एक पुरी है। उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विकास बोर्ड बनाया, जिसका चेयरमैन किसी न किसी आईएएस को या किसी न किसी बड़े लोगों को बनाया जाता था। मुझे लगता है, मैं अगर डीएम साहब से बात करूंगा तो मैं एक सुझाव दूंगा कि हरिद्वार विकास बोर्ड बनना चाहिए। जैसे यूजर चार्ज लगाना और उसको वसूलना, ये काम नगर निगम का है, हमारा नहीं है। पहले भी ये व्यवस्था थी, जो हमारे जो चेक पोस्ट थे पहले, जो बहादराबाद से पहले ज्वालापुर से आगे लगा हुआ था, वहाँ पर यात्रियों से कर वसूलने की पहले व्यवस्था थी। तो हमारा तो कहना ही है कि ये जो काम इनका अपना स्वयं का है, वो हमारे पे ना थोपे और ना हम ये काम करने वाले हैं। क्या एरोप्लेन के माध्यम से आ रहा है तो वहीं पे कर वसूलने की व्यवस्था हो। ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था खुद स्वयं करे, होटल जो है मालिक या कर्मचारी जो है इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। अभी एक विचार किया है, उसका आगे कार्रवाई करने के लिए जो है हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारे हरिद्वार जनपद में, विशेषकर हरिद्वार शहर में काफ़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, तो ऑब्वियसली ये स्वाभाविक है कि वेस्ट भी जो है, पॉलिथिन वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये काफ़ी जनरेट होता है। पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में और आएंगे। दूसरी बात, अभी क्या स्वरूप होगा, कितना रुपया लगाएंगे, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, क्या लगाएंगे, ये अभी हमने तय नहीं किया। इसका जो है विचार विमर्श अभी चल रही है। कुंभ मेले को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर समस्त पंचपुरी क्षेत्र में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर उनके कारोबारी स्थानों से हटाए जाने के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया व जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल को सौंपा और चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम भूख हड़ताल करने पर विवश हो जाएंगे। क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण अभियान चल रहा है। हमारा मानना यह है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में तमाम शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर करने की बात की जा रही है और शहरी गरीबी मिशन के तहत तमाम रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। 15 वेंडिंग जोन हमारे प्रस्तावित हैं, उसके बाद अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए। रेडी पटरी वालों के लिए कानून बनाया गया है 2016 का, वो राज्य में तेजी से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। रूप से हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और लंबा आंदोलन चलाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि हम न्याय संगत बात कर रहे हैं। उसके लिए कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई हमारी समस्या का निदान किया जाना चाहिए,
तब जाकर हम शांति से बैठे। कुंभ मेले से पहले हरिद्वार स्थित निर्मल पंचायती अखाड़े के दो दलों के संतों में संपत्ति को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब से आए निर्मल फेक से जुड़े संतों ने निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष महंत ज्ञानदेव सिंह पर अखाड़े की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से महंत ज्ञानदेव सिंह को अखाड़े के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग के साथ ही कुंभ मेला निधि से निर्मल अखाड़े को मिलने वाली ग्रांट रोकने की मांग भी की है। वहीं निर्मल पंचायती अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। जो है निकाला गया प्रशासन के द्वारा, अखाड़ा परिषद के द्वारा, फिर लोग जो है कुंभ आ रहा है तो कुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो अखाड़े की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, वो सब सुचारू रूप से चल रही हैं और प्रबंध जो है निर्मल पंचायती अखाड़ा जो कुंभ में जैसा करता है वो उसकी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है, पूरी व्यवस्थाएं हो रही है। और इन लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा, वो जो है उसमें रुकावट डालना चाहते हैं, और कोई बात कर सकता। प्रशासन को इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो इस प्रकार जो हरिद्वार का कुंभ है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और प्रशासन सबके सामने है भी कौन संपत्ति को खुर्द बुर्द करने में लगा हुआ है और कौन संपत्ति को बचाने में लगा हुआ है, ये तो स्पष्ट है। रेशम सिंह जी को श्रीमंत बनाया है, ये अवैध कब्जा करके जहाँ बैठे हैं वहाँ हमने धरना लगाया, तभी भी प्रशासन ने किसी ने हमारी बात नहीं मानी कि ये गलत लोग वहाँ बैठे हुए हैं। 1993 में ज्ञानदेव को बनाया था और 2017 तक उन्होंने निर्मल पंचायती अखाड़े की एक गज जगह खरीदी नहीं, सिवाय बेची है। अगर खरीदी हो तो हमें बता दें, एक गज जगह भी खरीदी हो। नासिक में बेच दिया, कुरुक्षेत्र में बेच दिया, हरिद्वार में बेच दिया, और हरिद्वार में आप जाके देखो इब्राहिमपुर में हमारा डेरा था, वो डेरा बेच दिया। अब 2-3 महीने पहले इन्होंने 100 बीघा जमीन किसी को 20,000 के रिलीज पे दे दी। तो इसलिए हम आपको सभी को ये बताना चाहते हैं कि ये सब को गलत हो रहा है। हम संत सारे निर्मल पेक सारा इकट्ठा हुआ है और यही बात कहना चाहते हैं कि प्रशासन से कि ये जो गलत लोग, अवैध लोग वहाँ बैठे हैं, इनको वहाँ से हटाया जाए, नहीं तो फिर धरना प्रशासन होगा, जो निर्मल पेक फैसला लेगा वो बात मानी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।